नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। चीन में वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ फ्रांस की संसद ने एक प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव पास होते ही चीन आग बबूला हो उठा है। फ्रांस की संसद ने चीन में वीगर मुसलमानों पर हो रहे बर्ताव को नरसंहार बताते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि ये प्रस्ताव विपक्षी पार्टी की तरफ से लाया गया था, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। फ्रांस की संसद में पेश किए गए इस प्रस्ताव को लेकर कहा गया है कि संसद आधिकारिक तौर पर चीन में विगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को नरसंहार करार देती है। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीन की नीतियों को बदलने का दबाव बनाने की भी बात कही जा रही है। फ्रांस में विपक्षी नेता ओलिवियर फेरे ने कहा है कि चीन एक बड़ी ताकत है, हम चीन के लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन जो चीन में हो रहा है हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि चीन की सरकार हमारी कायरता के वजह से ही सीधे तौर पर एक नरसंहार को अंजाम दे रही है। फ्रांस के संसद में लाए गए इस प्रस्ताव से चीन बुरी तरह बौखला उठा है और इस पर सख्त रद्द अमल दिया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रांस की संसद में चीन के खिलाफ ये प्रस्ताव 169 वोटों से पारित हो गया। इस प्रस्ताव के विरोध में केवल एक वोट पड़ा। भारी बहुमत से पास हुए इस प्रस्ताव से चीन बुरी तरह बौखला उठा है। चीन ने फ्रांस को धमकी देते हुए कहा है कि इस प्रस्ताव से चीन और फ्रांस के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। फ्रांस में मौजूद चीनी दूतावास ने कहा है कि चीन में विगर मुसलमानों से जुड़े मुद्दे जातीय, धार्मिक व मानव अधिकार के नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद व अलगवाद से जुड़े मामले हैं। ये चीन की संप्रभुता से जुड़े हैं जो क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। चीन की तरफ से कहा गया है कि फ्रांस की संसद में पास हुआ यह प्रस्ताव चीन के आंतरिक मामलों में दखल देते हुए उसे बदनाम किया जा रहा है। चीन ने आरोप लगाया है कि फ्रांस अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीनी नीतियों को बदलने का दबाव बना रहा है जो झूठ पर आधारित है। फ्रांस के संसद में लाए गए इस प्रस्ताव की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि चीन में 4 फरवरी से ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने चीन में विगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में इन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि चीन के रवैये के खिलाफ दुनिया भर से आवाज उठने लगी है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने चीन में चल रहे डिटेंशन कैंप को शर्मनाक और गैरकानूनी बताते हुए चीनी सामानों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। डिटेंशन कैंप में इन मुस्लिम कैदियों से घंटों काम करवाया जाता है और इस काम के बदले उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते, साथ ही उन्हें उनके परिवार से भी अलग रखा जाता है। अब फ्रांस ने भी चीन के सत्याचार के खिलाफ अपनी संसद में एक प्रस्ताव पास किया है, जबकि मुस्लिम देश चीन के सत्याचार पर पूरी तरह से खामोश हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।